हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हो व्लॉग विद प्रशांत। तो भाई, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, आज का व्लॉग है कि इस पे। तो भाई, हमारे पास कुछ सिक्के हैं। कुछ क्या भाई, कुछ ज़्यादा ही है, 400-500 सिक्के हैं। तो भाई, उसमें कुछ सिक्के ऐसे जो 100 साल से भी पुराने सिक्के हो चुके हैं मेरे पास। तो भाई, बचपन से शौक था सिक्के कलेक्ट करने का, अब भी करता हूँ। कहीं पर भी सिक्के पुराने मिल जाए, हाँ इंटरेस्ट आ जाए, हाँ भाई दिखने में अच्छा हो या कुछ वैसा हो, यूनिक सा हो, तो मैं उसको ले लेता हूँ। पैसे देके या कोई ऐसे दोस्त हो जो ऐसे भी दे देते हैं, या भाई अपने शॉप पे आ जाते हैं। तो भाई, ऐसे कर करके मैंने कुछ 400-500 सिक्के कलेक्ट कर रखे, जिन भी 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं उन कुछ सिक्कों को। तो आपको दिखाते हैं आज कौन से सिक्के कितना साल हो गया, कैसे टाइप के, मतलब कोई 5 पैसे का, कोई 10 पैसे का, 50 पैसे, 25 पैसे का, आने भी हैं। तो आपको दिखाते कौन से सिक्के 100 साल से ज़्यादा हो गया, कौन से सिक्के क्या है। कुछ सिक्के मेरे पास ऐसे भी जो सीरीज़ में है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ व्लॉग में आगे कैसे क्या है। तो चलो आपको दिखाते एक बार, एक एक कॉइन करके। ये है मेरा टोटल कॉइन कलेक्शन जो अब तक मैंने आज तक किया है। जो ये आपको टेप में दिख रहे हैं या जो बीच में ये अलग अलग है, इनकी वैल्यू है। और ये कुछ सिक्के, इनमें जैसे कि आप देख सकते हो 1914 का है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। और ये जैसे आप ये देख सकते हो 1913 का, 1919 का, ये 100 साल से भी ज़्यादा सिक्के हो चुके हैं इनकी वैल्यू। तो इनकी वैल्यू मेरे को बहुत ज़्यादा मिल सकती है। बहुत सारे सिक्के आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो भाई, अपना कलेक्शन की भाई हम अपने चालू करते हैं डिटेल्स, कौन सा सिक्का क्या है। तो भाई, जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो, ये अपना 50 पैसे का सिक्का है। अरे ये भाई लगते साल के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, होप सो आपको कैमरे में दिख रहा हो। ये 1988, 1999, 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, नहीं 98, 99, 2000 और 2001 तक के भाई लगते सिक्के ये 2002 भी हैं। तो भाई लगते ये 15 साल के लगते सिक्के हैं। ऐसे ही भाई ये 25 में है, जैसे 25 पैसे का सिक्का आपको दिख रहा होगा। तो भाई, ये जो क्वाइंस हैं इनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और भाई लगते साल के, जैसे कि मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये है आपके 1988 से लेके, ये जैसे आपको ऊपर वाले थे वैसे ही लगते हैं। और ये जाते भाई आपके 2001 तक। तो आपको ये लगते साल के मिलने हैं। और भाई, उसके बाद आते हैं आपके 10 रुपये के सिक्के। आप इनके जैसे डिज़ाइन भी देख सकते हो, अलग ऊपर से सेम है, इनके पीछे से आप देखोगे यूनिक चीज़ मिलेगी। हर सिक्के के पीछे कुछ अलग आपको मेंशन कर रखा है, हर चीज़ के लिए अलग वो है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एजुकेशन के लिए है, ये भाई अपना फूड के लिए, फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, ये अलग अलग चीज़ डिनोट करते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस का, ये हैप्पी चाइल्ड का, 1979 का। और भाई आप लास्ट में जैसे ये देख सकते हो, ये भी फूड का है, तो फूड एंड शेल्टर था वो। और ये भाई अपना अलग है, तो हर चीज़ में अलग मेंशन है। ये 10 का कॉइन था। और भाई, जैसे कि आप देख सकते हो, रुपीज़ उस टाइम पे भी 1951 में रुपीज़ इंट्रोड्यूस हो चुका था। मतलब को ये कॉइन तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, इसमें एक साइड सीतिया है और भाई एक साइड अपने लक्ष्मी गणेश है। इसमें कोई साल नहीं लिखा हुआ है कौन से साल का, ये तांबे का है। तो भाई, अपना अगला आता है ये कॉइन भाई, ये 1919 का है, इसको भी 100 साल से ऊपर हो गया। तो भाई, 100 साल से ऊपर मेरे पास कम से कम 4 से 5 सिक्के ही है, 4 से 5 सिक्के जो 100 साल से ऊपर हो गए। तो इसके भाई थोड़ी, जैसे आप देख सकते हो, डैमेज हो रखा है इस साइड से, ये साफ़ करते टाइम हो गया था। ये भाई अपने देख सकते हो, राजाओं के टाइम के ये, तो ऑलमोस्ट सिक्के यही मिलने मेरे पास राजाओं के टाइम के। और भाई, जैसे आप देख सकते हो, 1950 में आधा पैसा चालू हो गया था, मतलब उस टाइम पे पैसे चल रहे थे, उस टाइम पे रुपीज़ भी इंट्रोड्यूस था कि हाँ भाई इंडियन मार्केट में रुपीज़ आ चुका था और भाई मिल रहा था। तो आप देख सकते हो 1950 में भी रुपीज़ है। ये अपना भाई 50 पैसे का, जिसके पीछे अपने भाई इंदिरा गांधी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये अपना भाई कॉइन अपना चला था 1970 से लेकर 1984 तक के
के बीच के पीरियड में भाई ये कॉइन की वैल्यू थी उस टाइम पे रन हुआ था, उसके बाद 1845 के बाद भाई ये अपना बंद हो गया था। तो ये 1917 से लेके 1984 के बीच का है, और उसके भाई अब ये नहीं पता है कि ये 1917 में बनाया या 84 में। अब अगला कॉइन भाई आप जैसे ये देख सकते हो, ये 1993 का है, ये अपना रोमानिया का है, एक मिनट डेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रोमानिया का है। तो भाई अपना ये कॉइन आ गया है, ये 1/4 आना है 1914 का, ये 100 साल से पुराना हो चुका है। और भाई ये अपना 1940 का, इनके आप जैसे डिज़ाइन देख सकते हो लीव और वैसे मतलब बेल टाइप में है प्रॉपर। तो इस वाले लेफ्ट साइड वाले कॉइन को हो चुके 100 साल से ऊपर, 1914 का है। और भाई इनके पीछे जैसे आपको मैंने दिखाया था उस अगला कॉइन भी भाई हमारा 1913 का है, 1/4 आना का ही है, इसको भी भाई अपने 100 साल से ऊपर हो गए। ये अपना 1919 का, इसको भी 100 साल से ऊपर हो गए। और ये भी अपना 5th का वो है। अगला भाई अपना ये आते 1898 जो होते थे 1 पैसे का, ये उस टाइम पे जैसे 5 पैसे 10 पैसे थे उस टाइम पे भी अपना 1 पैसा, जैसे आपको ये देख सकते हो 1950 का है आपको दिख रहा होगा, तो वो आपको 1950 में मैंने आपको दिखाया था एक कॉइन, उस टाइम पे भी रुपीस इंट्रोड्यूस था और पैसे भी दोनों चीज़ चल रहे थे। इसमें भाई घोड़ा छपा हुआ बीच में, और भाई अपने यही नॉर्मल कॉइन से ये पा जैसे 10 रुपये के कॉइन है अपने अलग अलग साल के, जैसे आप ये देख सकते हो 1983 का है कोई, 87 का है। तो भाई और ये अपने 5 पैसे के हैं, 1973 का है कोई, अलग अलग है मतलब हर कॉइन पे अलग अलग है। 1971 का है जैसे ये देख सकते हो, 1974 का। तो ऐसे भाई अपना ये कलेक्शन है। तो जो ये बीच में आपको टेप वाले दिख रहे होंगे और भाई ये जो बीच में ये तांबे के, ये इनकी वैल्यू है कुछ ज़्यादा, ये भाई अपने नॉर्मली मिल जाते अपने यहाँ पे, ये 10 रुपये से लेकर 40-50 रुपये में एक सिक्का आराम से मिल जाएगा आपको कहीं पे भी। पर जो ये बीच में है 100 साल से पुराने सिक्के दिखाए आपको, इनकी भाई मार्केट में डिमांड है भाई। आज तक मैंने बाकी वैल्यू पूछी नहीं है इन कॉइन्स की, कौन सा कितने में जाता है, तो आप देख सकते हो। भाई आप जैसे इस कॉइन को देख सकते होगे, थोड़ा इसकी भाई कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, पर हाँ आपको लगता है कैमरे में दिख रहा होगा, आप देख सकते हो 1944 में इंडियन रुपीस चालू हो गया था, 1 रुपीस इंडिया 1944 है। होप सो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ना तो भाई रियल लाइफ में साफ पता चल रहा है 1944 में इंडियन रुपीस चालू हो गया था। तो भाई ये था कॉइन का कलेक्शन, तो मैंने आज तक ये गिने नहीं है, पर अराउंड जैसे भाई एक बार गिने थे पहले साल 2 साल पहले, तो उस टाइम पे कुछ 450-500 के करीब ही थे, 450 करोड़ थे, 450-500 के बीच। उसके बाद मैंने बहुत सारे सिक्के और कलेक्ट किए हैं इंक्लूड हुए, बाकी भाई गिने ही नहीं आज तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई कुछ सिक्के आपको रोमानिया का भी था, तो कुछ 100 साल पुराने थे, कुछ भाई 1950 में पैसे रुपीस आ गए थे, 1950 में पैसे भी 1 पैसा भी था, 1 पैसे का सिक्का देखने को मिलता नहीं है ज़्यादा इतना, 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे ये मिलते हैं, 1 पैसे का बहुत रेयरली मिलता है। और भाई उस टाइम पे 1950 में भी हाँ इंट्रोड्यूस हो गया था रुपीज़ की, हाँ मार्केट में रुपीज़ के सिक्के चालू हो गए थे, जैसे आपने अपन देखा वो 1.2 का था और 1.4 का था, ऐसे अलग अलग रुपीज़ के थे, कुछ भाई इंदिरा गांधी के सिक्के थे अलग अलग है। और भाई जो ऊपर आपने सीरीज़ देखी 15 साल के लगते सिक्के थे 1988 से लेकर 2002 तक के सिक्के, तो भाई इन्हें कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर इनको साफ किया जाता है भाई अच्छे से। जो आपको दिखाया था बीच में कुछ सिक्के, जैसे कि आप देख सकते हो इस सिक्के में
तो भाई ये ख़राब है, कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसको भाई साफ़ किया जाता है एसिड से इनसे, तो भाई इनकी थोड़ी जो वो होता है ये ऊपर, तो ये हट जाता है। तो भाई इनको उसके बाद भाई मैंने टेपिंग कर रखी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो भाई ये अपना कलेक्शन था, तो भाई बहुत हार्ड वर्क लगा, कम से कम यार अब ये लगा लो बचपन से, मैं जब 6th 7th क्लास में था जब से कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ, अब तक कलेक्ट किए हैं। तो शौक होता भाई, किसी किसी को शौक होता है किसी और चीज़ का, तो ऐसे ही मेरे को सिक्कों का शौक़ शुरू से था कि हाँ पुराने सिक्के कलेक्ट करने हैं। तो भाई आपको आज दिखाने का मन था कि मैं चलो भाई आपको भी दिखाते हैं कि हमारे कलेक्शन में क्या क्या सिक्के कितने साल पुराने। बाकी भाई आज तक मैंने इनकी मार्केट में डिमांड मतलब रेट नहीं पूछा कि इसके कितने रेट कितने पैसे मिलेंगे, आज तक एक भी कॉइन चेक नहीं कराया है। तो होप सो कभी इन फ्यूचर कभी जाएंगे दिखाएंगे इनको मार्केट में, बहुत मार्केट ऐसी है जिनमें इनके लाखों 2 लाख 5 लाख 20 लाख मिल जाते हैं आराम से, तो दिखाने पड़ते हैं भाई, वो चेक करते वो अपने हिसाब से कंडीशन देख के बताते हैं। तो भाई कभी इन फ्यूचर देखेंगे और सिक्के कलेक्ट करके फिर साथ में दिखाएंगे किसी को जिनको नॉलेज होगी भाई इन चीज़ों की। अब कुछ सिक्के उस टाइम पे जैसे आपने देखा भी मेरे पास 100 साल से पुराने 4 से 5 ही सिक्के हैं, जो कुछ ज़्यादा सिक्के हैं नहीं, तो उस टाइम पे भाई कुछ ऐसे सिक्के हो जाएंगे जो 100 साल से और पुराने हो जाएंगे, तो उस टाइम पे 100 साल से पुराने सिक्के की अपने जो नंबर है वो भी बढ़ जाएंगे 4 से 5 से 10 से 15 हो जाएंगे। तो भाई इस ब्लॉग को करते पे ख़त्म, आपको यही दिखाना था कि भाई हमारे पास जो कॉइन कलेक्शन है तो कैसा है, कौन से सिक्के हैं। तो इस ब्लॉग को करते ख़त्म, होप सो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।